तो दोस्तों आपको अक्सर ये परेशानी हो रही होगी कि मैंने जिरकोनिया कोपिंग के ऊपर लेयरिंग किया था वो चिपो क्यों हो जाता है। मैं आज आपको एक्सो कार्ड के अंदर इस तरह से डिजाइन बना के दिखाऊंगा कि आपका बनाया हुआ क्राउन चिपो ना हो। दोस्तों मेरा नाम है राजेश पटेल और मेरी चैनल आस्था डेंटल लैब में आपका स्वागत है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले दोस्तों इस तरह से जो बिना डाई कट है तो आप बिना डाई कट को भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे पहले जो ऐसा थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ गया हो इम्प्रेशन में या बबल कुछ, तो इसको कैसे फील करें वो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ। तो इसको फील करना ही पड़ेगा तो हमको एक्सपोर्ट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो ऐसे ओक्लूजन को हमने ए बटन दबा के हटा दिया है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना है और राइट साइड का, और उसके बाद फ्री फ्रॉम स्कैन डेटा में जाना पड़ेगा। और ये साइज अभी बड़ी है तो यहाँ जो छोटी साइड है इसका शॉर्टकट की है F3। अगर आप F3 दबाओगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऐसे फिल कर देना है जो आप स्टोन से नहीं कर सकते। तो अभी देखोगे तो थोड़ा बहुत ये बढ़ गया है, तो आपको क्या करना है स्मूथनिंग बटन दबाना है और स्मूथनिंग हमको थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्का वाला रख के इसको धीरे धीरे स्मूथ कर देना है ताकि एकदम ऐसा लगे हाँ अभी देखो कि हमने जैसे स्टोन से फिलिंग कर लिया ऐसा फील हो गया। उसके बाद आपको ओके दबा देना है, फिर से हमको वर्टिकल मोड पे आ जाना है। अभी क्या करना है हमको ड्रॉ करना है। तो आप इससे अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि ये डाई कट नहीं है तो ये कुछ भी सिलेक्ट कर लेगा तो हम ये ड्रॉ नहीं कर सकता। आप क्लीन कर दीजिए, आपको मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी ये ड्रॉ करेंगे, इसमें भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सही तरीके से नहीं होगा। तो आपको ये अभी क्लीन कर लो, आपको मैग्नेटिक क्लिक कर लेना है और उसके बाद जब आप इसको ये वन साइड का वन है यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक ड्रॉ करना है जिंजाई वाल को। देखते रहिए कैसे इस तरह से आप ड्रॉ करते रहिए। ये जिकोनिया है, मुझे इसको फेसिंग करना है तो आपको ये लेयरिंग करना है हमको। तो आप लेयरिंग करोगे तो चिप ऑफ हो जाने का चांस भी होता है, टू लेयर होता है तो आपका, तो कोपिंग मत कीजिए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी एक हो गया ड्रॉ पूरी तरह से तो आप उसको नेक्स्ट कर लीजिए। तो अभी हमको यहाँ दिखा रहा है कि 2-1, तो हम 2-1 को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप 2-1 को ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपको बाद में लगे तो करेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बाहर निकालना है तो आप यहाँ से, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ क्लिक करोगे तो एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, और नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे रख के डिलीट बटन दबा दीजिए तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए। और नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। अभी क्या है क्या आपका जो मिलिंग मशीन 4-axis है तो आपको ये सब जगह पे देखो रेड एरिया दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है, ये एक्चुअली अंडरकट है। अगर अंडरकट आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा कि क्राउन बैठने में प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ भी अंडरकट दिखा रहा है, देखो ये रेड एरिया है वो अंडरकट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको
और ये येल्लो बॉर्डर है ना, वो आपने जो जिंजाइवल सिलेक्शन किया है ना वो है, तो उसको तो आप ऐसे करके नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको क्या करना है कि पूरी तरह से येल्लो बॉर्डर सब जगह पे रहनी चाहिए और जो अंडरकट है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी तरह से अंडरकट निकल जाएगा, जो ब्लू था वो रेड था वो निकल गया। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। अभी अभी आप दूसरा स्टेप आ गया कि आपको मार्जिन फिटिंग कितना रखना है, सीमेंट गैप और मार्जिन फिटिंग। तो अभी आप देखोगे कि ये ग्रीन वाला एरिया आ रहा है वो मार्जिन फिटिंग है। आप देखो जो अभी मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ गया। अगर कोई क्राउन का जो रिटेंशन कम है तो आप उसको बढ़ा दीजिए। कोई अंडरकट ज़्यादा है और ये क्राउन बहुत बड़ा है तो आप मार्जिन फिटिंग कम भी रख सकते हो। वो आपको क्राउन की हाइट देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चलो मैं इसका हाइट ज़्यादा है तो कम मार्जिन फिटिंग रखूँगा तो चलेगा, वरना मैं कम से कम आपको इतना कहूँगा कि आप 1 तक मार्जिन फिटिंग रखिए। ओके, बाकी ये गैप है, सीमेंट गैप है, वो मैं 0.55 रखता हूँ, तो आप 0.055 रखिए। तो अभी आपको यहाँ से जो टीथ है वो आपको कैसा रखना है, तो लोड कस्टम मॉडल पे आप जाकर उसको आप यहाँ से लाइब्रेरी में जाकर ले सकते हो कि भाई ये एकदम स्मूथ है और इसके साथ ये पूरी तरह से मैच हो जाएगा तो आप इसको रख सकते हो। अदर भी लाइब्रेरी होती है तो आप उसके अंदर भी जाकर आप ले सकते हो। तो कोई और आपको अच्छा लगे तो आप उसको ले सकते हो कि भाई ये अच्छा वाला है तो चलो मैं भी ये देखो कि ये अच्छा लगे तो मैं इसको भी लोड करके देखता हूँ। वो आप पे डिपेंड करेगा कि ये वाला आपके ऊपर एकदम एस्थेटिक लगेगा तो आप ये भी रख सकते हो। ये अच्छी तरह से देखो आगे पीछे जिस तरह से आपको लेना है वो आप लेफ्ट की दबा के ले सकते हो और आप कंट्रोल बटन दबा के अभी उसको थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हो। और ये देखो ये है ना, ये हाई पॉइंट है। अभी ये वो आप ये बटन दबाओगे या आप एंटा बोनिश क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। उसको आपको गाढ़ा करना है तो कर सकते हो, हल्का करना जो भी कर यहाँ से कर सकते हो। तो ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे है। तो इसको हटाने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, जो ये बटन है, ये बटन दबाओगे तो चला जाएगा और ये बटन दबाओगे तो आ जाएगा। तो अभी ये मुझे लेटरल से थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से रखूँगा। तो ये हो गया, थोड़ा इसको बाद में हम और भी इसको बहुत तरीके से हम उसको एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जितना यहाँ पे करो तो अच्छा रहेगा, करो यहाँ पे जितना हो सके, बाद में आप नेक्स्ट कर लो। अभी नेक्स्ट किया हमने, तो अभी ये सारा एडिटिंग का हिस्सा आ गया है। तो ये प्रॉपरली अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, अभी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा यहाँ से, ये तीनों ऐड करने का ही बटन है, इसका तीनों का शॉर्टकट की यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। ये F2 है इसका और ये F3 है और ये F4 भी इसका शॉर्टकट है। और यहाँ भी आप जब कर्सर रखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको 1 दबाना है, तो 1 दबाओगे, 2 दबाओगे तो स्मूथ में चला जाएगा, 1 दबाओगे तो ऐड में आ जाएगा। ये सब इसका ही है, यहाँ भी शॉर्टकट की इसका भी आता है, तो सबका शॉर्टकट है। यहाँ पे 3 दबाओगे तो अलग में हो जाओगे, 4 यहाँ इसका है, सबका शॉर्टकट भी होता है। आप ट्राई करते रहोगे तो मिल जाएगा। तो अभी मुझे थोड़ा इसमें स्मूथ करना है तो मैं स्मूथ करके इसको एकदम एनाटोमिकल करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत अभी भी मेरा 2 से बाहर ये दिखा रहा है तो मैं थोड़ा उसको कर लूँगा। और यहाँ मुझे ऐड करना है तो मैं 1 दबा के ऐड करूँगा, और यहाँ भी मुझे सॉरी 1 दबा के मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं थोड़ा ऐड करूँगा, बाद में 2 दबा के मैं इसको
ये भी कर सकता हूँ। स्मूथ कीजिए, ओके। और यहाँ भी अभी स्मूथ करके आप जितना रिमूवल हो सके वो इतना कर लीजिए। और ये दोनों अभी देख सकते हो आप कि ये दोनों साथ में एडजस्ट नहीं है, तो ये पॉइंट है, ओके। क्या तो आप इससे थोड़ा इस तरफ ले लीजिए तो दोनों एक साथ हो जाएगा। दोनों बटन आप माउस का दबा के आप उसको जिस तरह से घुमाना हो घुमा सकते हो, और आप सिंगल दबा के, और ये अगर आप राइट साइड की क्लिक से भी घुमा सकते हो और लेफ्ट साइड की क्लिक से आप घुमा नहीं सकते, क्योंकि उससे जो आपने ऑप्शन सिलेक्शन किया है ना वो ले लेगा। तो आपको ज़रूर से राइट साइड की क्लिक से ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐड करना है तो मैं उसको ऐड करूँगा यहाँ से, तो इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ, बाद में स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ आप बड़े से कीजिए और हल्का हल्का स्मूथ कीजिए। ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना भाई उतना आपको ग्रिप बढ़ जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट की इसलिए बताता हूँ ताकि आपको स्पीड रहे। तो अभी मेरा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओक्लूजन को आप ओक्लूजन जितना नेगेटिव रखना चाहते हो, तो मैं इंटीरियर में 0.33 रखता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको एक बार अंडू दिखाता हूँ। अभी मैंने ये किया तो मैंने देखो इसको इस तरह से मैं कट कर सकता हूँ, तो ये हो गया ये, और उसके बाद मैं इसको स्मूथ कर लूँगा। तो आप इसको बाद आप स्मूथ करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ऐड हो ही जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फिर से आप एक बार ओक्लूजन को ट्रिम कर लीजिए और फिर से आप थोड़ा स्मूथ कर लीजिए। ज़्यादा स्मूथ करना है तो आप शिफ्ट बटन दबा के शिफ्ट बटन दबा के आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, ज़्यादा एकदम से बोलते नहीं फास्ट इरेज हो जाएगा। और अप्रोक्स में क्या होगा कि कॉन्टेक्ट में आपको अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा क्राउन है ना जो बनाया ना वो अभी लेटरल के अंदर चला गया। तो आपको अप्रोक्स में क्या करना है, यहाँ पे आपको 0.07 लेकर इसको आप क्लिक करोगे तो ये अप्रोक्स कम्प्लीटली आपका निकल जाएगा। देखो ये फिर से आ गया। अभी आप ऐसे ही रख दोगे तो क्राउन नहीं बैठेगा, तो आपको उसको यही करना पड़ेगा 0.07। तो आप अभी ये बन के आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजीली आपका क्राउन बैठ जाएगा। तो ये हो गया, उसके बाद आप थोड़ा और भी स्मूथ कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको ये पूरी तरह से मॉडल हटाना है तो आपको एस बटन दबाना है, एस फॉर सूरत, तो ये दबा देंगे तो ये हो जाएगा। तो यह अभी रफ है तो आपको यहाँ भी स्मूथ करना पड़ेगा, तो स्मूथ कर लीजिए आपका। और उसके बाद एक बार फिर से आप अप्रोक्स करें, फिर से स्मूथ कर ले, तो हो गया। इस तरफ भी आपको यही करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्मूथ कर लीजिए, हो गया। अभी आप देखेंगे इसको साइड वाइज तो ये एकदम एनाटोमिकल है, लेकिन इसका और इसका दोनों का मैच नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत आपको अभी दोनों सेम वन हो गया है, और फिर एस दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ओके। अभी अंदर आपको थोड़ा बहुत पैलेटली भी एनाटॉमी करना है तो आप एड बटन दबाइए, और ये बीच वाला ब्रश है उसको ले लीजिए, उसका फूल बढ़ा दीजिए और ये ब्रश की साइज जितनी हो उतनी छोटी कर लीजिए। और अभी क्या करना है, आपको शिफ्ट बटन दबाना है, और शिफ्ट बटन दबा के आपको इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा बहुत इस तरह से। आप इसको भी शिफ्ट बटन दबा के ड्रॉ कर लीजिए, ओके। तो ये हो गया, ओके। और अभी
कम्प्लीटली, अगर थोड़ा बहुत आपको लगे तो ये थोड़ा इस तरह से ले लेना है तो ये आप इसका उपयोग कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अभी क्या आ गया, हमको फेसिंग बनाना है। ओके, तो फेसिंग के अंदर आपको इस तरह से, अगर आप एनिमल ही सिर्फ ऐड कीजिए, मेरा रिक्वायरमेंट है, आप पूरी तरह से इसको मत कीजिए, आप सिर्फ एनिमल ऐड कीजिए। तो इसके आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फुल्ली मार्क ऑल ले लीजिए, और आपको जैसे एनिमल ऐड करना है सिक बटन दबाइए इस तरह से। तो इस तरह से, सॉरी मैं इसका ब्रश की साइज थोड़ी छोटी करना चाहा, तो आप छोटी भी कर सकते हो। चलो आप सिप बटन नहीं दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और आप ब्रश की साइज छोटी बड़ी करना चाहते हो तो सिप बटन दबा के आपका माउस का जो चक्कर है उसको घुमाएंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। तो आप सिप बटन दबा के ये ले लीजिए, यहाँ थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इधर भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे अभी आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एनिमल ही ऐड करना है और बटन छोटा कर लीजिए और इसी तरह से आप यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए पहले इस तरह से। और आप देख सकते हो ये ब्लू में भी दिखता है, आप यहाँ से और इस तरह से क्लिक कर लीजिए तीनों, और यहाँ से इसे ड्रॉ कर लीजिए। बाद में आपको जो निकालना है वो थोड़ा बहुत आप निकाल भी सकते हो। इस ये जगह सिर्फ आपको बिल्डअप कॉपिंग के लिए, मैंने इसलिए आपको बताया कि आप पूरी तरह से इसको मत कीजिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से करोगे तो आपको इसकी जगह यहाँ पे आपको डेंटिन ऐड करना पड़ेगा, वो डेंटिन चिपो भी हो सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे आप एनिमल ऐड कर लीजिए, सिर्फ आपको एनिमल का ही खर्चा होगा, डेंटिन का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, और ट्रांसपेरेंसी भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। मैं इसका फ़ोटो बाद में जब बन के आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी दिखती है। ओके, और आपको अगर आपको फुल्ली भी करना है तो आप यहाँ से इतना भी फुल्ली कर लीजिए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, इस तरह से आप कर लीजिए, इसकी इतना ही बिल्डअप कीजिए, पीछे मत बिल्डअप कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी खाया पेशेंट खाएंगे कुछ भी करेंगे तो यहाँ से प्रेशर आएगा, लोअर का दांत यहीं पे टच करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपका चिप ऑफ होने का चांस बढ़ जाएगा। तो और यहाँ पे भी, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई मत कीजिए इतना, यहाँ भी डेंटिन डालने की क्या ज़रूरत है भाई, मत डालिए, मैं तो नहीं डालने वाला। तो मैं तो ये फिर से इतना इस तरह से कर दूँगा, प्लीज़ आप भी मत कीजिए। मैंने बहुत सा ये डेंटिन का खर्चा कर लिया, अभी जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये सब नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ यही इतना ही कीजिए, इसमें भी इतना बढ़िया ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे, आपको सिंक कितना करना है वो आप पे डिपेंड करता है, और यहाँ भी आप थोड़ा बहुत कर दीजिए ताकि ये पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंस दिखे। सामने है इसे पीछे आप कर दीजिए, ओके। तो ये हो गया, अब ये जो मैं इसको सिंक करूंगा तो आपको दिखेगा कि कितना हुआ है इसको, मैं ये सिंक हो गया, ओके। तो अभी इसको और ज्यादा सिंक कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा दीजिए ना, कोई बात नहीं, टेंशन की
और अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा, देखो भाई ये हो गया, आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही ऐड करना है, और आप यहाँ पे ये वाला छोटा वाला ब्रश लेकर थोड़ा बहुत स्मूथ कर दीजिए। और यहाँ भी आप स्मूथ कर लीजिए। और भाई मैं ऐसी डिजाइन के लिए और बिल्डअप का, 3D का, प्रिंटर का, ये सब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने पहला हिंदी चैनल स्टार्ट किया है, और आप हमारी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेंगे तो, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो क्या है, मुझे भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलेगा कि भाई चलो लोग पसंद करते हैं। जब मुझे भी सीखना था तो बहुत वीडियो मैंने देखा, वो लोग इंग्लिश में बताते थे, कोई हिंदी में वीडियो नहीं बताता था, ये ऐसा कोई नहीं बताता भाई, वो पूरी तरह से मटेरियल यूज़ करने में ही बताता है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो भाई आप इतना ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए मैं ये सब आपको ऐसा शॉर्टकट, जो मुझे भी पहले परेशानी हुई थी वो आपको ना हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मुझे इससे क्या है कि मुझे अच्छा लगेगा कि भाई चलो हमारे लैब वाले भाई है जो बहुत, उसको भी प्रॉब्लम आती होगी, वो मुझे आज लाइक भी करते, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है मेरा। तो भाई अभी ये सब हो गया, अभी क्या आया, अभी इसके दोनों के बीच के कनेक्टर आया। अगर आप चाहते हैं इसको सेपरेट बनाना तो आप ये सेपरेट यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, तो ये डिलीट हो गया, मैं अभी इसको नेचुरल कलर में ले लेता हूँ। और अगर आपको इस सब कनेक्टर है जैसे जैसे, तो मैं ना इंटीरियर के लिए ये कनेक्टर यूज करता हूँ, तो क्या होता है कि इसका शेप ऐसे है कि नीचे बड़ा ऊपर पतला, जैसे हमारा टीथ का भी सेट ऐसा ही होता, तो आप इसको कनेक्टर को इस तरह से सेट कर लीजिए। कनेक्टर की साइड आप बहुत, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। देखो इसका हाइट बढ़ाओगे और आप उसको अप्लाई करोगे तो ये हाइट बढ़ेगा, देखो, और मैं हाइट बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, ये बाहर निकल गया कनेक्टर, तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है ऐसे आप इसको अप्लाई करके बना कनेक्टर। और हाँ, ये एक बात है कि आप कनेक्टर है ना अच्छी तरह से उसका कनेक्टर रखें, क्या है कि कनेक्टर जितना अच्छा होगा उतना ये रहेगा, अच्छा रहेगा, क्या एक ब्रिज फ्रैक्चर नहीं होगा। अब कनेक्टर में ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आप कनेक्टर को इससे बढ़ा सकते हो, और जितना भाई फिनिशिंग में मेहनत ना हो ना वही कीजिए, क्योंकि फिनिशिंग के लिए आपको बहुत से बर में पैसा, डायमंड बर है ये झिरकोनिया, फिनिशिंग के लिए बहुत महंगा महंगा बर आता है भाई, तो कम से कम आप उसमें ना पैसा लगे ना वही कीजिए। और अभी ये नेक्स्ट कर देंगे तो ये कम्प्लीटली रेडी हो गया। लेकिन आप एक बार फिर से फ्री फ्रॉम में जाइए, थोड़ा बहुत अभी भी करेक्शन हो तो आप कर लीजिए, ताकि ये कनेक्टर का थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप बाद में आई एम डन कीजिए, इससे पहले आप एक बार फ्री फ्रॉम में जाकर इसको, आप थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ, तो अभी आप कनेक्टर में है। और जो भी आपको थोड़ा बहुत, ये देखो ये थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, तो मैं अभी भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो जो भी आपको अभी भी थोड़ा बहुत काम रह जाए ऐसा लगे, तो लास्ट में आप फ्री फ्रॉम में ये जाकर काम कर सकते हो।
और अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ भी स्मूथनिंग करना है तो आप हल्का सा ब्रश का उपयोग करें और ये स्मूथ कर लीजिए। तो कर ये भी कनेक्टर है उसको भी थोड़ा स्मूथ कर लीजिए। बाकी भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए अच्छा धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये पूरा डेंटिन का हो गया, अब यहाँ पे आप एनिमल डाल दोगे, माइंड ब्लोइंग काम आएगा भाई। आप ये मैं आपको इसका फोटोग्राफी करके मैं भेजूंगा, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना वाकई बढ़िया काम है सर। तो ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ओके, तो दोस्तों मैंने जितना भी मुझे पता था और जितनी भी मुझे हिंदी में आपको समझा सकूँ उतना मैं समझा। मैं बड़ा टेक्नीशियन नहीं हूँ भाई, फिर भी मुझे जो प्रॉब्लम आया था ना ये मैंने फेस किया था, इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ बॉस मेरी चैनल